हे एवरी वन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट स्टार्ट आज का हमारा द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। चलिए शुरुआत करते हैं 14 जनवरी 2023 का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। आगे बढ़ेंगे उससे पहले अगर आप लोग चाहें तो हमारा क्लैट 2024 के लिए अवेंजर बैच चल रहा है एंड क्लैट 2025 के लिए विजेता बैच चल रहा है, इसमें आप चाहें तो इनरोल कर सकते हैं। देखिए पहला आर्टिकल है द बग स्टॉप्स विद गवर्नमेंट टू एंड हेट स्पीच, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। गवर्नमेंट को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि गवर्नमेंट शुड स्टेप इन व्हेन रिलीजियस फ्रीडम हारमोनी ऑर्डरली प्रोग्रेस एंड आर ग्रेवली अफेक्टेड सेज कोर्ट एंड फ्लैग्स हेट स्पीच ऑन टीवी वेयर एंकर्स हैव बिकम टूल्स टू पेडल एजेंडाज। कहने का मतलब ये है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि सरकार को ना इन पर एक्शन लेना चाहिए। जब कोई टीवी एंकर, जैसे कि आपने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स देखे होंगे जब एंकर जो हैं काफ़ी सारी भड़काऊ चीज़ें बोलते हैं, और आप इस बात को माने जाए ना माने देर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, वो इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं। मैं आपको इस पर एक रिसेंट एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी रिसेंटली अपने एक फ्रेंड के शादी में गया था और वो शादी उसके गांव में थी, ठीक है, विलेज में थी उसके। तो वहाँ पर जब मैंने जाके लोगों को देखा तो हम तो तब भी इंटरनेट से काफ़ी सारी न्यूज़ और सारी चीज़ें अपडेट्स ले लेते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, बट वहाँ पे जो मतलब मेन जो 2-3 चैनल से न्यूज़ के वही चलाए जाते हैं। अब जब वो न्यूज़ चैनल चलाए जाते हैं तो मैंने वहाँ पे देखा कि यार वो एक्चुअली में एक ही टाइप की न्यूज़ चला रहे हैं और जिसको आप बोल सकते हो कि प्रो गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बट एक बात बता रहा हूँ कि भाई सिर्फ प्रो गवर्नमेंट न्यूज़ चल रही हैं और जिस तरीके की विचारधाराएं वो लोग कर रहे थे तो वहाँ के जो लोग थे ना उससे इन्फ्लुएंस दिख रहे थे। मतलब मैंने एक बात पे वहाँ पे कुछ बोला तो वहाँ पे लोग मतलब मेरी बातों का एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो कहने का मतलब है कि हमारे देश में आज भी एक लार्ज संख्या जो है जनता की वो आज भी जो है इस तरीके की चीज़ों में इन्हीं न्यूज़ चैनल्स को देखते हैं। तो उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला है। अब ये हेट स्पीच क्या होती है ये हमने पास्ट में भी कवर कर रखा है और अभी इस सेशन के एंड में मैं लास्ट में अटैच कर दूंगा वीडियो जिसमें हमने हेट स्पीच को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। चलिए इसके बाद जोशीमठ सैंक्स 5.4 सेंटीमीटर इन 12 डेज सेज इसरो रिपोर्ट। तो ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी वो ये कह रही है कि भैया 12 दिन के अंदर जो है 5.4 सेंटीमीटर मतलब नीचे की तरफ धंस गया है जोशीमठ, ठीक है। चलो मेरा क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताओ जोशीमठ जो है किसने एस्टेब्लिश करवाया था। अब जोशीमठ में ऐसा क्यों हो रहा है ये भी हमने 2-3 दिन पहले ही देखा है, लेकिन आप लोगों का ये कहना होता है कि सर वो वीडियो ढूंढने में दिक्कत होती है, तो फिर इसीलिए मैं इसको भी अटैच कर दूंगा इसी वीडियो के एंड में, देख लेना, ठीक है। जैसे आज सैटरडे है तो सैटरडे में ना न्यूज़ में बहुत कुछ खास नहीं आता, संडे तो और बेकार होता है, लेकिन आज अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आए जैसे कि जोशीमठ हो गया या ये हेट स्पीच हो गया, बट ये ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस है तो वापस तो मैं उसको रिपीट करूँ उससे कोई मतलब नहीं, इसलिए मैं इसी में अटैच कर दूंगा, आप उसको इस वीडियो के एंड में ही देख लेना, ठीक है। हाई कोर्ट टेक नोट ऑफ ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट इन उड़ीसा। आप इसको ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट भी बोल सकते हो और एक टर्म होता है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। मतलब बहुत सारे जो जीव जंतु होते हैं जब जंगलों को काटा जाता है या जंगलों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, डेवलपमेंट किया जाता है, तो ये लोग जो हैं आसपास के गांवों में चले जाते हैं भाई जहाँ पे खेत होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, क्योंकि जंगलों में इनको खाना मिलता नहीं है प्रॉपर। तो ये यहाँ पे न्यूज़ है कि उड़ीसा में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अब जब भी एलिफेंट और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट की बात होती है तो सोनितपुर मॉडल जो है ना हमारे सामने आता है, ये बहुत फेमस एक मॉडल है, इसलिए मैंने सोचा आपको ये बता दिया जाए, नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है, मे बी एग्ज़ाम में कहीं फंस जाए तो। आसाम में ना एक जगह है सोनितपुर, यहाँ पे होता क्या था कि फॉरेस्ट का काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन हुआ था, तो जिसके वजह से खाने के लिए या फिर फॉरेस्ट जब कम हो गया तो जो एलिफेंट थे वो लोग ना लोगों के घरों की तरफ मूव करने लगे, मतलब खेती वाली जगहों पे मूव करने लगे। इससे जो है ना वहाँ पे ह्यूमन एनिमल डेथ बहुत ज़्यादा होने लगी। अब ये कैसे होता है, देखो कोई आपके खेत में जाके अगर खाएगा तो आप जाओगे उसको भगाने के लिए, अब भैया वो एलिफेंट है तो एलिफेंट तो एक बार में मार सकता है, दूसरा कि फिर एलिफेंट से बचने के लिए आप भी उसको मार सकते हो। तो इस वजह से ना ये काफ़ी सारी संख्या में वहाँ पे एलिफेंटों की मृत्यु होने लगी, काफ़ी सारी संख्या में वहाँ पे लोगों की मृत्यु होने लगी। तभी आपकी जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है WWF, इनके द्वारा एक रिस्पॉन्स आया और इन्होंने एक प्रक्रिया एस्टेब्लिश करी। वो क्या करी, 2003 से 2004 के बीच में जो लोकल विलेजर्स थे, जैसे मान लो ये फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, और ये पूरा विलेज उसके आसपास है, तो ये जो एलिफेंट है वो इधर मूव कर जाते हैं,
तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ के जो लोग थे ना, इनको ट्रेंड किया, इनको क्या ट्रेंड किया कि भाई कैसे जो है डील करना है एलिफेंट से अगर वो आपके पेड़ पौधों को खाने आ जाता है। और अगले 4 से 5 साल के अंदर एक भी मृत्यु ना एनिमल की हुई ना ही आपके लोगों की हुई। तो ये सोनितपुर मॉडल का ना बहुत एक मतलब इंडिया में एक एज ए एग्जाम्पल की तरह यूज़ होता है। तो यही यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि उड़ीसा के अंदर भी इसका यूज़ किया जा सकता है। फिर देखिए क्या है, मोदी जी फ्लैग्स ऑफ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज फ्रॉम वाराणसी टू डिब्रूगढ़। करीबन ये 3200 किलोमीटर 51 डेज का ये टोटल ट्रिप होगा। हमारी जो क्रूज है इसका नाम है MV गंगा विलास। अभी पता है जब मैं न्यूज़ पढ़ रहा था तो मेरे मन में आया चलो टिकट देखते हैं घूमने चलेंगे। भाई देखा 20 लाख रुपए का टोटल है ये 51 डेज का अराउंड। मैंने कहा भाई अपने बस का तो नहीं है, है ना। तो ये वाली बात है, महंगा है, काफ़ी महंगा है। लेकिन ये भी है कि देखो अभी तक हम लोग क्या सुनते थे, भाई बॉलीवुड वाले क्रूज़ पे पार्टी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। पर ये आम जनता के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन दिया है। शायद जो मेरे को पता है कि 51,000 या 1 लाख रुपीज़ ऐसा कुछ मिनिमम किराया है ना, 2 से 3 दिन का ऐसा कुछ है। देख लेना ये वैसे इंटरनेट पे अवेलेबल है, पर आपको क्यों देखना है, कभी जब जॉब वॉब करने लग जाओ तब मस्त जाना घूमने, है ना। अभी तो बस सुन लो क्या है ये। तो ये वाली चीज़ है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखो इस तरीके से ये दिखती है, भाई है तो बिल्कुल लग्जरियस ही है ना। क्रूज विल बी मैनेज बाय प्राइवेट ऑपरेटर्स, द इनलैंड प्राइवेट ऑपरेटर्स के साथ साथ द इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग पोर्ट्स एंड वाटरवेज के अंदर चलती है, इसने सपोर्ट किया है इस प्रोजेक्ट को, ये देखती रहेगी। 40 हिस्टोरिक साइट्स जो है ये यहाँ पे कवर किया जाएगा, जिसमें महाबोधि टेम्पल, हजारदुरी पैलेस, कटरा मस्जिद, बोधगया, चंदन नगर चर्च, चर बंगला टेम्पल एंड मोर। नेशनल वाटरवे 1 को कनेक्ट करेगी साथ ही साथ, जिसमें गंगा, नेशनल वाटरवे 2 ऑन ब्रह्मपुत्र, इन सबको कवर करेगी। करीबन 27 रिवर सिस्टम जो है यहाँ पे इसमें सारे के सारे क्रॉस किए जाएंगे। 51 डेज का क्रूज प्लान है, 50 से ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट्स पे ये जाएगी, जिसमें काफ़ी सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, नेशनल पार्क है, रिवर घाट्स हैं, पटना, साहिबगंज झारखंड में, कोलकाता इन वेस्ट बंगाल, ढाका इन बांग्लादेश एंड गुवाहाटी इन आसाम। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करी जाएंगी इस क्रूज़ के द्वारा, ठीक है। इसके बाद पेरू क्लोजेस माचू पिचू एयरपोर्ट एज नेशन वाइड प्रोटेस्ट परसिस्ट। कल ही हमने इस पर एक आर्टिकल देखा है, क्या हुआ है, एक भाई स्कूल प्राइमरी टीचर जो है वो वहाँ के हेड हो गए थे, फिर क्या हुआ, उनको तख्ता पलट कर दिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। तो गरीब जनता जो है, जो मिडिल क्लास जनता है, वो इनसे रिलेट बहुत करती है और वो जो है उनके रिहाई के लिए और इनको वापस सत्ता में लाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यही देखा था ना हमने। तो यही है पूरी कहानी। अब कल वाला है तो इसको तो मैं अटैच भी नहीं करूँगा, कल डिटेल में डिस्कस किया ही है। इंडिया ट्रेड डेफिसिट विद चाइना रेसेस बियॉन्ड $100 बिलियन। पहले तो जानो ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ। एक शॉपकीपर है ए और एक शॉपकीपर है बी, ठीक है। ए ने ना बी को 100 रुपये का माल बेचा, ठीक है। बी ने ए को 200 रुपये का माल बेचा, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या देखा कि भाई ए ने कम सामान बेच पाया है, बी ज़्यादा सामान बेच पाया है, इसका मतलब 100 रुपये का ट्रेड डेफिसिट हो गया ए के पास। तो यही चीज़ है, चाइना से आप ना सामान ज़्यादा खरीद रहे हो और चाइना को बेच कम पा रहे हो। आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जो हैं एक डिजिटल स्क्रीन के ऊपर क्लास लेते हैं, है ना। पूरे इंडिया में आप टीचर्स की संख्या जोड़ लो और आज की डेट में हर कोई इस पर पढ़ाता है। आप ये जानते हो कि ये डिजिटल स्क्रीन ना सिर्फ और सिर्फ चाइना में बनती है। आप नाम इस पर बहुत सारे सुनोगे, कुछ भी लगा दें स्टीकर, लेकिन ये बनती कहाँ पर, चाइना में बनती है और 2.5 लाख के आसपास की एक स्क्रीन पड़ती है, आप ये सोचो। और कितनी सारी संख्या में इसको इंडिया में लिया जा रहा है, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ। इसी की तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ों में ना चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। बट अब हुआ क्या है ना, पहले हम चाइना को $28.1 बिलियन के आसपास का एक्सपोर्ट भी करते थे, वो भी घट के $17.48 बिलियन पे आ गया है। और 97.5 बिलियन डॉलर का जो हमने एक्सपोर्ट किया था उसको बढ़ा के हमने अभी इम्पोर्ट किया था, वो अब हो चुका है 118.5 बिलियन। तो ये चीज़ आप देख रहे हो किस तरीके से इम्पोर्ट में बढ़ोतरी हो रही है और किस तरीके से जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो और कम हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ट्रेड डेफिसिट वाइडन टू $101.02 बिलियन अप बाय 45% फ्रॉम 69.4 बिलियन सीन इन 2021, ठीक है। तो भाई 70 बिलियन का पहले आसपास था ट्रेड डेफिसिट, अब वो 101 पे जा चुका है। तो ये हमारे देश के लिए तो बिल्कुल ही अच्छी चीज़ नहीं है।
और मतलब ये तो एक्चुअली में बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, ये जो स्क्रीन होती है ना, जैसे मैं आपको जो कि इसीलिए बता रहा हूँ, चाइना बहुत सारी जगहों पे मार्केट प्लेयर है, मार्केट लीडर है। अब जैसे मैं इसीलिए इसको बता रहा हूँ क्योंकि ये मैंने क्लोजली देखा है, ये डिजिटल स्क्रीन की बुकिंग भी आपको ना 20-25 दिन पहले करानी पड़ती है, तब चाइना से माल आता है। तो इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी है, वेटिंग लगी रहती है। तो अभी भी चाइना इस सेक्शन में बहुत कमाने वाला है। और हमारे यहाँ पे देखो, मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत तो बोली ही जा सकती है, प्लस टेक में भी दिक्कत है, क्योंकि ये जो इसमें जो आईसी लगता है, बोर्ड्स लगते हैं, ये सब चाइना में मैन्युफैक्चर होता है। इवन हम जो टीवी देखते हैं ना, जितनी वर्ल्ड में टीवी है, उसकी जो स्क्रीन होती है ना, वो पूरी विश्व की एक या दो ही कंपनी बनाती हैं, और उनके पास उसका पेटेंट होता है, कोई उसको कर भी नहीं सकता है। तो ये वाली चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हॉकी की न्यूज़ है भाई, वर्ल्ड कप चल रहा है, इंडिया ने स्पेन को हरा दिया है। स्पेन एक अच्छी टीम है हॉकी में, और उसको हरा दिया है, तो बड़ी अच्छी चीज़ ये हुई है, ठीक है। बस यही था। अब जो दो टॉपिक्स मैंने बताए वो मैं इसमें अटैच कर दूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। के दिमाग पे आपके ऊपर क्या बीतने वाली है? जोशीन मठ के लोगों के साथ यही हो रहा है। इस तरीके के बड़े बड़े क्रैक्स ना वहां पे काफी सारी जगहों पे देखने को मिल रहे हैं। इन सब के पीछे कारण क्या है? कारण पे हम आएंगे, उससे पहले थोड़ा सा जोशीन मठ की ना लोकेशन जान लो। तो देखिए, आपके उत्तराखंड के अंदर जो है ना, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहाँ है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के ये स्थित है, ठीक है, जिसको हम जोशीन मठ के नाम से जानते हैं। ये आदि शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित किया गया था। देखो, शंकराचार्य जी को बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है हिंदू रिलीजन को रिवाइव करने में। उन्होंने ऐसे चार मठ बनवाए थे। मेरा आज आप लोगों के लिए एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, थोड़ा इस पर रिसर्च करना कि तीन मठ इसके अलावा कौन थे। चौथा जो मठ था वो जोशीन मठ था। तो जोशीन मठ, या जिसको ज्योतिर्मठ भी कहते हैं, इसी तरीके से नाम है इसका। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे देश का मिलिट्री का भी एक कैंट है। मतलब क्योंकि ये चाइना के पास स्थित है, तो यहाँ पे आर्मी का भी कैंट है, आर्मी का भी एक छोटा सा बेस है जोशीन मठ के अंदर। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? देखो, यहाँ पे हो ये रहा है कि यहाँ की सड़कों पे लोगों के घर में ना इस तरीके के क्रैक्स आते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जोशीन मठ ना लैंडस्लाइड के द्वारा बना हुआ एक पहाड़ टाइप का एरिया था, जिसके ऊपर लोगों ने बसना शुरू कर दिया, सरकारों ने कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है ना, देखिए, कोई भी सरकार आती है उसे 5 साल का सोचती है, लॉन्ग टर्म नहीं सोचती है। तो हुआ क्या कि भाई लोगों ने बहुत ज्यादा इस पर कंस्ट्रक्शन किया, जबकि ये बात साफ थी, पहले ही बता दिया गया था कि ये जगह जो है डेडिकेटेड है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ना करिए। लेकिन किसी भी सरकार ने इस बात को सुना नहीं, और सरकारें जो हैं अपने अपने टाइम पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवाती गई, जिसके वजह से अब ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और ये जगह ना सिर्फ ये नहीं है कि अभी पहली बार इस तरीके का डिसास्टर यहाँ देखने को मिल रहा है, इससे पहले यहाँ पे फ्लड्स आए थे, चमोली डिसास्टर के नाम से हमने देखा था 2021 के अंदर, है ना, करीबन 200 लोगों की मृत्यु हो गई थी उसके अंदर भी। तो ये वाली एक चीज थी। इसके बाद अगर हम उत्तराखंड की स्टेट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात सुने, तो हो क्या रहा है यहाँ पे, देखिए, कुछ बड़े कारण रहते हैं जिसके वजह से इस तरीके के डिसास्टर पहले भी देखने को मिले हैं। एक तो मेट्रोलॉजिकल रेजिमा चेंजेस, अनयूजुअल रेनफॉल पैटर्न, यहाँ पे रेनफॉल का पैटर्न जो है काफी चेंज होता रहता है, तो ये कारण बताया जाता है। ह्यूमन एक्शन इन हाई रिस्क एरियाज, आप बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर रहे हो, तो इसी वजह से ये एरिया जो है ना हमेशा प्रोन रहा है किस चीज के लिए, डिसास्टर्स के लिए। अब आते हैं, क्या ये पहली बार था जब सरकार को ये चीज का आभास हुआ कि जोशीन मठ में चीजें खतरनाक हो सकती हैं? तो नहीं, 1964 के अंदर एमसी मिश्रा कमेटी बनाई गई थी। क्या नाम है इस कमेटी का? एमसी मिश्रा कमेटी। ये हैं आपके एमसी मिश्रा साहब। तो डॉक्टर एमसी मिश्रा कमेटी के द्वारा ये बात साफ साफ स्पष्ट शब्दों में सरकार को कह दी गई थी कि जोशीन मठ जो है ना, ये एक डिसास्टर प्रोन एरिया है, और यहाँ के अंदर जो है ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर ज्यादा डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए, यहाँ पे ज्यादा अगर इसके ऊपर लोड जाएगा तो इस तरीके की चीजें देखने को मिल सकती हैं। इन्होंने देखिए कहा था, जोशीन मठ इज सिचुएटेड एन ओल्ड लैंडस्लाइड जोन, जोशीन मठ कुड सिंक इफ रैम्पन डेवलपमेंट इज अनचेक्ड, द कमिटी रिकमेंडेड दैट सब्सटेंशियल कंस्ट्रक्शन शुड बी प्रोहिबिटेड इन द विस्तिनिटी ऑफ जोशीन मठ। लेकिन किसी भी सरकार ने इन बातों को नहीं सुना, और अब उसके लिए वहां के लोग जो हैं भुगत रहे हैं। कि भाई, हेट स्पीच के ऊपर ना मामला अभी चल रहा है, कोर्ट ने फ्री स्पीच जो पॉलिटिशियंस बोलते हैं उसके ऊपर एक अपना वर्डिक्ट दिया है।
तो वो कनेक्ट करते हैं हम हेट स्पीच से और देखते हैं कि क्या है मामला। एक आप लोगों के लिए होमवर्क है, मैं इसमें यहाँ पे ऐड करना भूल गया, मैं कल उसको कर दूंगा, कल के सेशन में ध्यान से कर दूंगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की ये जो जजमेंट आई है इसमें कितने जजेस की बेंच थी और क्या केस का नाम था। ठीक है, ये दोनों चीज़ आप लोग खुद से भी नोट डाउन कर लेना, बाकी कल मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले जानो कि हेट स्पीच क्या होता है। हेट स्पीच देखो, हमारे एक मैं लेमन लैंग्वेज में आपको अगर समझाऊं तो आप ये समझ लो कि किसी को कुछ इस तरीके से बोलना जिससे कि वो बुरा फील करे, दूसरा कि ये हेट स्पीच जो है ये वॉयलेंस का रूप ले सकती है, किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करना, किसी के कल्चरल सेंटिमेंट को हर्ट करना, तो ये सारी चीजें जो है ना ये काइंड ऑफ हेट स्पीच में आ जाती हैं। लीगल प्रोविजंस क्या हैं? आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 के तहत जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर। देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या राइट देता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच मुझे ये राइट देता है कि मैं यहाँ पे अपनी बातों को रख सकता हूँ, लेकिन क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच मुझे ये राइट देता है कि मैं आप लोगों को अब्यूज कर सकता हूँ? नहीं, वो 19 सब क्लॉज 2 में प्रोहिबिट है। इसके बाद सेक्शन 153 सब क्लॉज ए ऑफ आईपीसी जो है ये बात करता है प्रमोशन अगर आप करोगे एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज एक्सेट्रा, आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है। मतलब आपने कुछ ऐसी बातें बोली जिसकी वजह से ये हो जाए। तो सेक्शन 153 सब क्लॉज बी ऑफ आईपीसी जो है वो ये भी कहता है कि आपने कुछ ऐसा करने की कोशिश करी जो देश की यूनिटी पे खतरा है तो भी आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये डायरेक्टली कोई प्रोविजंस नहीं है, इनडायरेक्टली है। हेट स्पीच को लेके कोई खास कानून आया नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इसीलिए बहुत सारे लोग बहुत बार कुछ ऐसी बातें बोल के बच जाते हैं क्योंकि देर आर लूप होल्स। डायरेक्टली कोई हेट स्पीच को रेगुलेट करने के लिए लॉ अभी हमारे देश में नहीं है। अब बात करते हैं सेक्शन 295 सब क्लॉज ए ऑफ आईपीसी जो है ये भी कहीं ना कहीं हेट स्पीच जैसी चीजों को रोकता है। ये बात करता है अगर आप डेलिब्रेट एंड मैलिशियस एक्ट करेंगे जिसका पर्पज ये होगा कि आप जो है आउटरेज करें रिलीजियस फीलिंग ऑफ एनी क्लास, बाय आप उसकी इंसल्ट करें, उसके रिलीजियस बिलीफ को उल्टा बोलें, तो आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है। अब आप बहुत बार ऐसे सोच रहे हो कि सर यार तो कितने लोग करते हैं लेकिन उनको सजा तो हुई नहीं, हम तो अभी भी उनको देख रहे हैं, मोस्टली पॉलिटिशियंस की बात हो रही है। सेक्शन 505 सब क्लॉज 2 ऑफ आईपीसी जो है इट ऑल्सो पनिशेस स्टेटमेंट क्रिएटिंग ऑन प्रमोटिंग एनिमिटी, दुश्मनी, हेट्रेड और इलविल बिटवीन क्लासेस, यहां भी 3 साल तक की सजा है। आप देख रहे हो मैक्सिमम 3 साल तक की सजा है। सेक्शन 123 सब क्लॉज 3A एंड 125 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट इट बार्स प्रमोशन ऑफ हेट्रेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, कास्ट, लैंग्वेज। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आप इलेक्टोरल प्रैक्टिस के करप्ट प्रैक्टिसेस का जो कॉन्सेप्ट है उसमें चले जाओगे, फिर जो उसकी पनिशमेंट्स होती हैं वो आपको मिलेंगी। सेक्शन 8 ऑफ आरपीए एक्ट 1951 ये भी कहता है कि भैया कोई बंदा अगर कन्विक्टेड है फ्रीडम ऑफ स्पीच का वॉयलेशन करने के लिए तो ही विल नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन, ही कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं अभी हमारे देश में जो हेट स्पीच के लिए हैं, लेकिन कहीं भी आपने कोई डायरेक्ट प्रोविजन अभी तक नहीं देखा, ये सब इनडायरेक्ट प्रोविजंस हैं जो हम देख रहे हैं। देखो अगर हम लॉ कमीशन की बात करें तो हमारी जो लॉ कमीशन है गाइस, उन्होंने अपनी 267th रिपोर्ट के अंदर ये कहा था कि इंडिया के अंदर जो है ना दो लॉ इंसर्ट करने चाहिए आईपीसी के अंदर। पहला है सेक्शन 153 सब क्लॉज सी और दूसरा है सेक्शन 505 सब क्लॉज ए, सब क्लॉज नहीं, सेक्शन 505 ए, सेक्शन 153 सी। सब क्लॉज क्या होता है? जैसे मैंने बोला सेक्शन 2 सब क्लॉज 2, मतलब सेक्शन 2 में दूसरा पॉइंट जो होगा वो है, यहां पे तो डायरेक्ट इंसर्ट कर रहा था इसलिए सब क्लॉज नहीं होगा। तो सेक्शन 153 सी कवर्स क्राइम्स कमिट, ये है नहीं, ये कहा गया था 267th रिपोर्ट में लॉ कमीशन के द्वारा कि भैया डाल दो। ये क्या कहता है? ये कहता है कि क्राइम्स कमिटेड व्हेन समवन थ्रेटन समवन विथ रिमार्क मीन्ट टू इंसाइट फियर, हेट्रेड, वॉयलेंस ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन, सेक्स, जेंडर। तो मोस्टली पॉलिटिशियंस इसमें बाहर हो जाते सारे।
सेक्शन 505A भी कहता है कि भैया ये सारी चीजें ऐसी हैं जिससे अगर आप इंसाइट करोगे फियर अलार्म और वॉयलेंस ऑफ अ क्राइम तो भी आप पनिशेबल होगे। बट ये ठंडे बस्ते में है, ये सजेस्ट हुआ था बट इस पर भी कुछ हुआ तो नहीं है। कुछ सुप्रीम कोर्ट पे केसेस हैं, हमारे देश के कुछ कोर्ट्स के अंदर केसेस हैं हेट स्पीच से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए इन केसेस के बारे में जानते हैं। एक बहुत ही फेमस केस है श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के अंदर सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो है इस पे मामला आया था। ये कहा गया था क्या फ्री स्पीच एक्सप्रेशन गारंटीड बाय आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसकी लिमिट क्या है, ये कहां तक जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में ये बात बोली कि भैया इंसाइटमेंट करना ना ये अलग बात है और कोई चीज पे अपना ओपिनियन रखना वो अलग बात है। मतलब ये जो आर्टिकल है ना वो ये बात भी करता है कि भाई आप अपने बातों को रख सकते हो लेकिन अगर आप उससे कुछ उसका दुरुपयोग करोगे तो फिर वो आपके लिए नुकसानदायी है। अरूप भुयन वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम में भी ये भी कहा गया था कि भैया सिर्फ एक्ट कैन नॉट बी पनिश्ड अनलेस एन इंडिविजुअल रिसोर्टेड टू वॉयलेंस और इंसाइटिंग एनी अदर पर्सन टू वॉयलेंस। फिर एस रंगरंजन एक्सेट्रा वर्सेस जगजीवन राम इस केस के अंदर भी कुछ ऐसी ही बात कही गई।